हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। यह वीडियो हमारी है जन्माष्टमी की, और हमने ब्रज से एक दिन पहले जमाई थी यहाँ की लौज लौकी की बर्फी, खाने में बहुत टेस्टी थी। हमने पहले सारा मावा निकाल लिया था, थोड़ी सी हमने लौज बनाई थी और थोड़ा जो मावा बचा था उसकी हमने सुबह के टाइम अगले दिन व्रत वाले दिन मावे के लड्डू बनाए थे। और यहाँ पर बरी लगा रही थी मेरे मेहंदी। तो अब सुबह के बज रहे हैं 10 और हम काम में मन रहे हैं, और आज जन्माष्टमी है तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। अच्छे से जन्माष्टमी बनाइए, और हमने अच्छे से काम निपटा दिया है, हमने झाड़ पोछा अच्छे से झाड़ा झूठी सब कर लिया। बस अब हमारा वाला कमरा रह रहा है जिसमें हम पढ़ते हैं, और अभी हमने मम्मी भी कर रही है रसोई का। तो रात मम्मी ने मिठाइयाँ बनाई थी, और अब हमने मावा रात को रेडी करके रख दिया था, और अब हम मम्मी पेड़े बनाएंगे। खाने बनाने के बाद हम तसल्ली से बैठ करके हम पेड़े बनाने शुरू करेंगे। हाँ, परी ने कर ली थी मंदिर की साफ सफाई, और इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करने के बाद इसने राधा कृष्ण जी का झूला तैयार किया था। मैंने बना लिए हैं मावे के लड्डू। मैं काम करने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, और देखिए मैंने ये ड्रेस मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, तो इस कमेंट करके जरूर बताना कि ये मेरी ड्रेस आप सभी को कैसी लग रही है। और ये हमने कान्हा जी का झूला बनाया हुआ है, जिसमें मैंने कान्हा जी, हमारे वैसे कृष्णा जी नहीं हैं तो हमने राधा कृष्ण की दोनों की तस्वीर रखी हुई है, और ऐसे मैंने यहाँ से ये लगा रखा है जिससे झुलाया जा सके। तो रात को परी ने एक कान्हा जी यानी राधा कृष्ण जी का झूला तैयार कर लिया था, तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा था। घर में इसे लगाने के बाद एक रौनक सी हो जाती है, और हमारे घर में एक छोटे से कृष्ण जी पधारे थे, और लो आप कर लीजिए कृष्ण जी के दर्शन, प्यारे से नन्हे जी कृष्ण जी। देखिए बच्चों कहने के पर हम ये कान्हा जी की गांधी टांगने को बना रहे हैं, और इसमें टांगने के लिए बना रहे हैं, और इसमें हमने देखिए क्या क्या भरा है, अमरूद है और बर्फी है और कई तरह की टोफियाँ हैं, और ऐसे इसमें हमने मावे के लड्डू, और इसमें बिस्कुट मंगाए हैं, बिस्कुट भी डाल रहे हैं छोटे छोटे बिस्कुट। थोड़ा मम्मी से जाल पर टांग देंगे। और ये देखिए हमारे गांव का राम जी श्री कृष्ण जी का मंदिर, और हमारे गांव में ये मंदिर आज सबकी बार बहुत अच्छे से सजाया गया था।
प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो हमें और थोड़ा सा साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। यह कोई गलत काम नहीं है, हम घर बैठे ही करते हैं और थोड़ी बच्ची वीडियो बना लेते हैं तो उसमें थोड़ा बच्चों को भी अच्छा लगता है और आपको हमारे गांव का भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, इसलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और यहाँ बच्चों ने तैयारी कर ली थी कान्हा जी की, किशन जी की मटकी हांडी टांगने की तैयारी। और जब इन्होंने 12 बजे के टाइम थोड़ी इसे बच्चों को बुलाया था आसपास के, लेकिन काफ़ी बच्चे सो चुके थे, थोड़े बड़े ही बच्चे आए थे, छोटे बच्चे नहीं आ पाए थे। तो बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, डांस किया, गाना गाया, मस्ती की खूब। और आप हमारी वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए।